उत्तर प्रदेश के बरेली में लाइनमैन का चालान काटना दरोगा को पड़ा भारी। लाइनमैन ने चौकी की काटी बिजली, चौकी में पड़ा अंधेरा। चौकी से बिजली काटना क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। अवैध रूप से चौकी में जल रही थी बिजली। सिरौली थाना क्षेत्र के हरदासपुर चौकी का है मामला। थाना सिरौली क्षेत्र में गांव बसरेर बिजली सब स्टेशन पर तैनात लाइनमैन पिंकी गुरुवार शाम को हरदासपुर में बिजली की लाइन ठीक कर बाइक से लौट रहा था। रास्ते में हरदासपुर पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात दरोगा ने उसकी बाइक रोक ली। हेलमेट और बाइक के कागजात नहीं होने पर दरोगा ने लाइनमैन का 500 रुपए का चालान काट दिया। लाइनमैन ने दरोगा से काफी मिन्नतें की लेकिन दरोगा नहीं पिघला। इसी दौरान लाइनमैन की नजर चौकी पे पड़ी बिजली केबल पर पड़ी। लाइनमैन का आरोप है कि चौकी में चोरी की बिजली से कूलर पंखे आदि चलाए जा रहे हैं। लाइनमैन ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और बिजली चोरी की वीडियो बनाकर चौकी की लाइन काट कर केबल जब्त कर ली। दरोगा मोदी सिंह ने बताया कि वे चेकिंग कर रहे थे, इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने और बाइक के कागजात नहीं होने पर उन्होंने चालान काट दिया था। जैसे एक्सचेंज ने भी बताया है, मेरी बात हुई थी तो बता रहे थे वहाँ कोई कनेक्शन चल रहा था तो उसका कनेक्शन शायद काटा गया है। क्या ये कनेक्शन था या नहीं था क्या? अभी इसकी जानकारी वो पूरी करके बताएंगे। पता चला कि लाइन प्राइवेट लाइनमैन है, उसका बाइक का चालान काट दिया था, इसलिए नाराज हो कुछ नहीं, ऐसी कोई जानकारी तो नहीं दी उन्होंने एक्सचेंज साहब। अच्छा, अभी वो प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जैसा भी होगा वो बताएंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। कनेक्शन नहीं था, वैसे जोड़ चला। अब वो जांच कर रहे हैं, एक्सचेंज साहब को मैंने कहा है जांच करने के लिए, जैसे ही होगा वो करेंगे, जो भी विभागीय नियम के अनुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।